स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू विल वेल एंड ओके दियर। छात्रों, आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक का पाठ 8 कारक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम कारक पढ़ चुके हैं, अब हमारा इस पाठ का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कारक की परिभाषा बताना चाहूँगी कि कारक किसे कहते हैं। कि वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ दर्शाते हैं वे कारक कहलाते हैं। अर्थात मैं अपने भाषा में समझाना चाहूँगी कि कर्ता का क्रिया के साथ जो सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। उस संबंध को व्यक्त करने वाले चिन्ह या प्रत्यय कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कारक और इनकी विभक्तियाँ इस प्रकार हैं। चलिए हम पढ़ते हैं कौन कौन से कारक होते हैं, उनके विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह तथा विभक्तियाँ। कारक, कर्ता कारक। कारक चिन्ह है ने, विभक्ति है प्रथमा। कर्म कारक, कारक चिन्ह को, विभक्ति द्वितीया। करण कारक, कारक चिन्ह से या के द्वारा, विभक्ति तृतीया। संप्रदान कारक, कारक चिन्ह के लिए, विभक्ति चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक चिन्ह से या अलग होना और विभक्ति है पंचमी विभक्ति। अब हम संबंध कारक, अब देखें यहाँ पे अपादान कारक और करण कारक, इन दोनों के कारक चिन्ह दिए हैं यहाँ पे से या के द्वारा, और इसका दिया है से, तो से दोनों हैं। किंतु यहाँ अपादान कारक में ये से का जो प्रयोग होता है यह अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध कारक का, के, की, और यह है विभक्ति षष्ठी विभक्ति। किंतु संबंध कारक को कारक की गिनती में नहीं लिया गया है, क्योंकि संबंध कारक कारक नहीं मानते हैं, और एक ये है संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है। इस प्रकार 2-8 कारक में से 2 कारक कम हो गए, तो बच्चों कितने कारक बचे हैं? 6 कारक। तो इस प्रकार संस्कृत में कारक की संख्या 6 मानी गई है। और अब इसको कारक क्यों नहीं मानते हैं, इसके लिए यहाँ नीचे स्पष्ट किया गया है कि संस्कृत में संबंध एवं संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इनका सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। हमने ऊपर कारक की परिभाषा पढ़ी थी कि कर्ता का क्रिया से जो सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो यहाँ इसमें कर्ता जो रहेगा संबंध कारक में, उसका सीधा संबंध कर्ता क्रिया से नहीं बताया जाता है, किसी अन्य व्यक्तियों से होता है, इसलिए इसको कारक की संख्या में हिंदी में नहीं लिया जाता है। तो बच्चों पता चल गया ना आपको कि संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक क्यों नहीं मानते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक और इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, और विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। हम इसको विभक्ति तो मानेंगे किंतु कारक नहीं मानेंगे। तो कारक तो 6 रह जाएंगे और विभक्तियों की संख्या कितनी रहेगी? 7 विभक्तियाँ। विभक्तियाँ जो की क्यों रहेगी? संबोध अधिकरण कारक चिन्ह में पर सप्तमी विभक्ति, और अंतिम है संबोधन है अरे, और इसका इसमें विभक्ति होती है संबोधन विभक्ति। तो विशेष यहाँ दिया गया है संस्कृत में संबंध एवं संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। आइए अब हम कुछ वाक्य और अन्य जानकारी भी हम लेते हैं कारक से संबंधित। पठती, अर्णव पढ़ता है। अब देखिए कि यहाँ पे जो अर्णव है यह करता है, और इसका सीधा संबंध पढ़ने से बताया गया है। अर्णव क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो यहाँ कारक हुआ है, और कारक हुआ है तो हम उसकी जानकारी लेंगे कि इसमें कौन सा कारक हुआ है, क्योंकि यहाँ कार्य को करने वाला कौन है, यानी पढ़ने को करने वाला कौन है? यहाँ पे अर्णव है, अर्णव है यहाँ पर। तो यहाँ पे यदि कार्य को करने वाले को क्या करते हैं? कर्ता।
तो यहाँ पे यहाँ कर्ता कारक हुआ है, और यहाँ पर यदि हम मानते हैं कि इसका विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या है, तो ने, कहीं कहीं विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, छात्रों यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, अर्णवः पढ़ति, अर्णव पढ़ता है, यह हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि अर्णव ने पढ़ता है, इससे वाक्य नहीं जम रहा है, तो कहीं कहीं विभक्ति चिन्हों का लोप भी होता है, तो इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर ने नहीं लगाएंगे। होता तो कारक चिन्ह यहाँ पे अर्णवः कर्ता कारक में ने लगता है, किंतु यहाँ नहीं लगा है, यानी यहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। अर्णवः पढ़ति, अर्णव पढ़ता है, अर्णव पढ़ता है। क्रिया को पढ़ने वाला कर्ता होता है, यहाँ मैंने बताया है पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, अर्णवः अर्णव कर रहा है, इसलिए अर्णव यह कर्ता है और यहाँ कर्ता कारक हुआ है। पठति पढ़ता है, क्रिया को पढ़ने वाला अर्णवः है, अतः वह कर्ता है। संस्कृत में कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यदि आपसे यहाँ विभक्ति पूछी जाए कि अर्णवः में कौन सी विभक्ति हुई है, तो आप बताओगे विभक्ति हुई है प्रथमा विभक्ति। यदि कारक पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, यहाँ है कर्ता कारक। और विभक्ति चिन्ह यदि पूछा जाए तो विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह बताओगे ने। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इस वाक्य के माध्यम से क्रिया, कर्ता और उनकी विभक्ति चिन्ह तथा विभक्ति का परिचय लिया है। आइए अब हम अन्य और भी वाक्य पढ़ते हैं जिससे हमें उसकी विभक्ति, कारक आदि की जानकारी मिलेगी। यह कौन है, एषः बालकः, यह बालक है। एषः यह कर्ता है, और यह भी कर्ता। अगर हम विभक्ति पूछते हैं तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति, और यदि कारक पूछेंगे तो कारक होगा कर्ता कारक, और यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह होगा ने, क्योंकि यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, इसने कौन पढ़ा, तो यहाँ पे सिर्फ होगा यह कौन है। तो कह भी प्रथमा विभक्ति का शब्द है और एषः भी प्रथमा विभक्ति का शब्द है। यह पुल्लिंग का है, यह भी पुल्लिंग का है। एषः कः पूछा, यह कौन है, एषः बालकः, यह बालक है। सा का, वह कौन है, सा स्त्रीलिंग का एकवचन का शब्द है, और यहाँ कर्ता है स्त्रीलिंग एकवचन का, वह, और यह भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का है, तो वह कौन है, सा बालिका, वह बालिका है। सह किं करोति, वह क्या करता है। सह खादति, वह खाता है। तो यहाँ पर भी सह यह करता है, और क्योंकि कार्य को करने वाला है, खाता है, खा रहा है, तो कौन खाता है, वह। तो यह तो होता है यहाँ पे कर्ता कारक। कारक पूछे तो कौन सा कारक हुआ है, तो आप बताएंगे यहाँ पे कर्ता कारक है। और यदि पूछेंगे कि विभक्ति कौन सी है, तो विभक्ति बताएंगे प्रथमा विभक्ति, और यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह है, प्रथमा विभक्ति का विभक्ति चिन्ह होता है ने, किंतु यहाँ ने का लोप है, वह खाता है। सा किं करोति, वह क्या करती है। तो छात्रों, आपको ऊपरी ऊपर कह, को और के ये जो शब्द दिए हुए हैं, यह भी प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं, किंतु ये हैं सर्वनाम शब्द, जो कि किम सर्वनाम से बने हुए हैं, और तीनों में ही यहाँ पर है, ये प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं। प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। कह कौन, को किन दो ने, और कई किन सब ने, तो यहाँ पर यह है प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन बताए हैं, और यह किम सर्वनाम से बने हुए रूप, और कौन से लिंग के हैं, ये पुल्लिंग के। यदि आपको पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति के रूप बनाने के लिए कहा जाए, तो आपको लिखना होगा कह, को, के, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, का, के, कहा,
आपको याद रखना है पुल्लिंग में किन से बनेगा, कह को के, और स्त्रीलिंग में बनेगा का के कहा। अर्थ सेम रहेंगे, सिर्फ लिंग का अंतर है। आज हमने कर्ता कारक पढ़ा और इनके वाक्य पढ़े। आइए अगली इस वीडियोस में हम आपको इसी कर्ता कारक के और भी वाक्य में पढ़ाएंगे। का यह पाठ अभी अधूरा है तो हम अगली वीडियो में पुनः इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना ही अध्ययन रखेंगे, अगली वीडियो में शुरू करेंगे वापस से अगला वाला पैराग्राफ। तब तक आप जो भी आज बताया गया है इसी का ही रिवीजन करें। धन्यवाद।